उत्तराखंड में राहत कार्य में जुटी सेना, एयरफोर्स और एनडीआरएफ जाने अब तक क्या क्या हुआ पूरे इस घटनाक्रम में। इस पूरी घटना में अब तक कम से कम 14 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। जी हाँ, इस पूरी घटना में 14 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। इनमें से अधिकांश के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट जाने के कारण ऋषि गंगा घाटी में अचानक विकराल आ गई। इसमें वहां दो पनबिजली परियोजनाओं में कम से कम लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि 170 से ज़्यादा लोग लापता हो गए। इस घटना में अब तक कम से कम 14 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। इनमें से अधिकांश के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। गंगा की सहायक नदियां धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा में बाढ़ से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में दहशत फैल गई और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना और ऋषि गंगा परियोजना पनबिजली परियोजना को बड़ा नुकसान हुआ तथा उसके कई श्रमिक सुरंग में फंस गए। तपोवन परियोजना की एक सुरंग में फंसे सभी 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 100 मजदूर इससे लापता बताए जा रहे हैं। अब तक क्या हुआ पूरे घटनाक्रम में, आइए एक और इस पे भी नज़र डालते हैं। प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में शाम को संवाददाताओं को बताया था कि अभी तक आपदा में 7 व्यक्तियों के शव बरामद हुए हैं और कम से कम 125 लापता हैं, लेकिन बाद में संख्या बढ़ गई। बाढ़ से लगभग मकान सभी जो है कि ढह गए और निचले हिस्सों में मानव बस्तियों को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। कई गांव खाली करा लिए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शाम तक मान लिया गया था कि निचले क्षेत्र सुरक्षित हैं और केंद्रीय जल आयोग ने कहा कि समीप के गांव को खतरा नहीं है, लेकिन धौली गंगा का जल स्तर रविवार को रात एक बार फिर बढ़ा। इसके बाद चलते इलाके में रहने वाले लोगों को घबराहट पैदा हो गई। रविवार रात करीब 8 बजे अचानक धौली गंगा का जल स्तर बढ़ गया, जाने से अधिकारियों को एक परियोजना क्षेत्र का राहत कार्य पहुंचाने में थोड़ी कार्य को रोकना पड़ा। परियोजना के महाप्रबंधक ने कहा कि जल विद्युत परियोजना क्षेत्र के एक सुरंग में श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारी समेत करीब 30 से 35 लोगों के बचाने का अभियान सोमवार की सुबह फिर से शुरू किया गया। दूसरी सुरंग में JCB की मदद से खाली करा जा रहा है। दिल्ली में रविवार की शाम यहां हुई एक आपत बैठक में मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधक समिति को यह जानकारी दी गई कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की ऋषि गंगा नदी पर 13.10 मेगावाट की एक छोटी पनबिजली परियोजना बह गई है, लेकिन निचले क्षेत्रों में बाढ़ का कोई खतरा नहीं, कोई जल स्तर समान हो गया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। बाढ़ आने के समय 13.2 मेगावाट की ऋषि गंगा परियोजना और NTPC की 480 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना में लगभग 176 मजदूर काम कर रहे थे, जिसकी पुष्टि मुख्यमंत्री रावत ने स्वयं की। इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की एक प्रवक्ता ने कहा कि NDRF की 4 टीमें लगभग 200 कर्मी को हवाई मार्ग से देहरादून भेजा गया है और ये टीमें वहां से जोठी मठ जाएंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत ने लोगों से पुराने बाढ़ के वीडियो के जरिए अफवाह न फैलाने की भी अपील की। प्रवक्ता ने बताया कि NTPC के प्रबंधक निदेशक को तुरंत प्रभावित स्थल पर पहुंचाने के लिए कहा गया है। NDRF की 2 टीमें को मौके पर भेज दिया गया और गाजियाबाद में हिडुन वायुसेना अड्डे से 3 अतिरिक्त टीमों को भेजा गया है, जहां सेना के जवान आज रात प्रभावित स्थानों पर पहुंच जाएंगे। भारतीय नौसेना के गोताखोरों को भी विमान वहां के लिए रवाना किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की और उन्हें ग्लेशियर के टूटने और उससे उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। शाह ने कई ट्वीट करके कहा कि NDRF की टीमों को प्रभावित लोगों को बचाने और राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया है, जबकि बल के अतिरिक्त जवानों को दिल्ली से हवाई मार्ग से रवाना किया जा रहा है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की सूचना से के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ITBP के महानिदेशक और NDRF के महानिदेशक से बात की। सभी संबंधित अधिकारियों लोगों को सुरक्षित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। NDRF की टीमें बचाव कार्य के लिए रवाना की गई हैं। देवभूमि को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी, यह कहना है
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह राज्य में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मोदी ने कहा, मैं उत्तराखंड में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा हूँ। भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है। सभी को सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आपदा से लड़ने के लिए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया और कहा कि वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के लगातार संपर्क में हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के कारण अचानक आई बाढ़ की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों की सुरक्षा की कामना की। कोविंद ने ट्वीट किया, उत्तराखंड की जो सीमठ के पास ग्लेशियर टूटने के कारण क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। लोगों की सुरक्षा और कुशलता की कामना करता हूँ। पूरे विश्वास और वहाँ राहत एवं बचाव कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि अब खतरे की स्थिति नहीं है और अलकनंदा नदी से जलस्तर सामान्य है। नंदा नदी राष्ट्रीय पार्क से निकलने वाली ऋषि गंगा के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी के विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसे गढ़वाल क्षेत्र के कई हिस्सों से दहशत का माहौल पैदा था। 7 गांवों को संपर्क टूट गया है, जहां राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है। यह कहना है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा। गए 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 गए